इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सिवान से आ रही है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने सब्जी व्यवसायी को गोली मार दी है। घटना मुफासिल थाना क्षेत्र की करमली हाता हाईवे के समीप की है। सब्जी व्यवसायी राजू गुप्ता सिवान से दुकान बंद करके रात्रि में अपने घर जफड़ा जा रहा था, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधी ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी है। हल्ला गुल्ला होने पर अपराधी वहां से फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायल सब्जी व्यवसायी राजू गुप्ता को सिवान के सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रथम उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया है। इधर घटना के बाद सिवान SDPO जितेंद्र पांडे दल बल के साथ सिवान के सदर अस्पताल पहुँचे और पूरे मामले की छानबीन की। लगातार सिवान के हाईवे पर लूटपाट की घटना देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर जो है, एक सब्जी व्यवसायी से लूटपाट हुई है जो करमली हाता हाईवे के समीप की है। सब्जी व्यवसायी राजू गुप्ता सिवान से दुकान बंद करके अपने घर जफरा जा रहा था, तभी हाईवे पर पहले से घात लगाए अपराधी लूटपाट की नीयत से उन्हें लूटने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी है। घायल व्यवस्था में स्थानीय लोगों ने उन्हें सिवान के सदर अस्पताल लाया, जहां उपचार के बाद डॉक्टर गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया है। उसके बाद SDPO दल बल के साथ सिवान के सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हाईवे पार करते नियसन कुलवा पर तो नाका घर बन गए जो छुप रहे हैं सन तो कहले हैं सन और बाद से हम धीरे करने तेल मार दे हैं मार तो ले का कलो से रुक 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 गाड़ी का रुक ये सब दुश्मनी रहा मैंने कही था। पैसा कितना लग रहा होता पैसा मतलब दुकान पर से दो दो दुकान पे सब्जी बेच कर जा रहा है।